आज लेकर आया है मुंबई हारा कॉलोनी। मुंबई हारा कॉलोनी कैसे दिखता है देखने के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए एसडी ब्लॉग में। तो वेलकम टू एसडी ब्लॉग। एसडी ब्लॉग में आज एक और नया धमाकेदार ब्लॉग लेकर आया है, जो आज लेकर आया है मुंबई हारा कॉलोनी। हारा कॉलोनी कैसे दिखता है देखने के लिए बने रही है एसडी ब्लॉग में। और तो वेलकम एसडी ब्लॉग, तो देखते रहिए एसडी ब्लॉग। मुंबई हारा कॉलोनी आप एसडी ब्लॉग आज दिखाने की आप लोगों को पूरा कोशिश करेगा। अगर आप लोग ने यूट्यूब में मेरा चैनल को एसडी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा प्लीज़। एक सब्सक्राइब एक लाइक ने आप लोगों का बहुत ही मोटिवेशन करते हैं हम लोगों को ब्लॉग और आगे तक बनाने के लिए, और आगे बेहतरीन बेहतरीन ब्लॉग लेके आएगा एसडी ब्लॉग। तो देखते रहिए आज मुंबई हारा कॉलोनी, मुंबई हारा कॉलोनी दिखाने के लिए दिखने में कैसा लगता है। तो मुंबई हारा कॉलोनी पवई से मालाड जाने के लिए, मालाड के बीच में पड़ता है और मालाड से पवई आने के बीच में यह हारा कॉलोनी पड़ता है। तो आप लोगों को आज हारा कॉलोनी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक आप लोग देखते रहिए हारा कॉलोनी। अगर एसडी ब्लॉग को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक में, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा। तो चलो आज शुरू करते हैं मुंबई हारा कॉलोनी की ब्लॉग। मुंबई हारा कॉलोनी कैसे दिखता है चलो आज आप लोग को दिखा रहा हो। देखिए मुंबई हारा कॉलोनी कैसे दिखता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, गजब की है। देखिए आप लोग यकीन नहीं होएगा, ये मुंबई की बीच में है, सिटी की बीच में है ये हारा कॉलोनी। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, देखिए आप लोग चारों तरफ मुंबई है, चारों तरफ सिटी है और ये बीच में हारा कॉलोनी। बहुत ही बड़ा हारा कॉलोनी है, बहुत ही बड़ा जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, बहुत ही खूबसूरत ये जगह है ये। देखिए आप लोग आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये देख के, बहुत बड़ा है ये हारा कॉलोनी, क्योंकि आप लोगों को मैं एक ब्लॉक में नहीं दिखा सकता हूँ, बहुत बड़ा है। अगर पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ब्लॉक। तो आप लोगों को आज मैं थोड़ा ही दिखाने वाला हूँ, देखते रहिए हारा कॉलोनी कैसे दिख रही है। ये देखिए पूरा गांव के जैसा है दिख रहा है, ये देखिए गांव के जैसा घर भी है बीच बीच में, ये देखिए पूरा गांव के जैसा घर है, ये देखिए देखिए कैसे है, पूरी तरह गांव की तरह घर दिख रहा है। ये देखिए ऑटो भी खड़ी है, ये देखिए गांव के जैसा हम लोग बैठने के लिए कुछ बनाते हैं ना चंद, ये देखिए चंद, ये देखिए जंगल के बीच से रूट जा रहा है, ये रूट से हमें जाने वाला हूँ आज। तो आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा मुंबई के हारा कॉलोनी, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए सामने पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है और मैं आगे बढ़ते रह रहा हूँ। देखिए ये रूट जो सामने दिखा है, ये रूट से मैं जाने वाला हूँ। चलो ये रूट पे मैं अभी जा रहा है, हाँ ये रूट अभी पहुँच गया। ये देखिए ये रूट की बाजू से पूरी तरह से दीवार बना हुआ है और बाजू में गार्डर भी है। ये रूट कितना खूबसूरत है, देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए कितना खूबसूरत एरिया है। ये देखिए बीच में कुछ दिख रहा है, हाँ हाँ ये देखिए इधर जंगल के बीच में एक बिल्डिंग भी है, ये बहुत ही पुराना बिल्डिंग है लेकिन बिल्डिंग है, क्या है इसमें मेरे को नहीं पता। और आगे देखते रहिए, आगे पूरा मैं आप लोगों को आज दिखाने का कोशिश करूँगा। देखते रहिए एसडी ब्लॉग को देखते रहिए आप लोग। ये देखिए मुंबई के हारा कॉलोनी कैसे दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत ही गजब। ये देखिए ये क्या गया है पता नहीं, इधर की जंगल के बीच में कुछ है, क्या है मुझे नहीं पता। ये देखिए सामने आ गया मैं मालाड, ये देखिए मालाड में चल रहा है मेट्रो, ऊपर से मेट्रो सिर्फ मालाड में, वेस्ट में और ईस्ट में चालू हुआ। पूरी मुंबई तो मेट्रो ने घेर लिया है लेकिन दो ही जगह अभी चालू हुआ है, पूरी तरह से चालू नहीं हुआ। अभी चल रहा हूँ मैं मालाड वेस्ट में, मालाड वेस्ट की रोड कैसे दिखते हैं ये आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मालाड वेस्ट की रोड, ये मेन रोड है, बहुत ही मस्त रोड है, बहुत ही खूबसूरत है। मुंबई की रोड ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत रहता है, देखिए बीच में कुछ तो लगा हुआ है फुल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए बिल्डिंग आ गया है रोड के बीच में, बिल्डिंग भी दिख रहा है लेकिन इधर इतना ज़्यादा बिल्डिंग नहीं है, फिर भी है बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। देखिए आप लोग मालाड वेस्ट, और देखते रहिए मैं आगे ही जाने वाला हूँ। ये देखिए मुंबई सिटी बस चल रहा है रोड पे, और ये देखिए ऑटो भी चल रहा है, ऑटो कितना खूबसूरत है मुंबई की आप लोग को तो मालूम ही है, ऑटो फेमस है मुंबई में, फेमस है ऑटो। और ये देखिए यहाँ पर कुछ टेंट लगा हुआ है, क्या बन रहा है नहीं पता, लेकिन देखिए ये देखिए सामने बिल्डिंग दिख रहा है। और मैं आगे कुछ काम के लिए जाने वाला हूँ इसलिए मैं सोचा आज आप लोगों के पास शेयर करूँ। ये देखिए वाओ कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखिए आगे देखिए भाई आसमान तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए मेरा डेस्टिनेशन आ गया, मैं जहाँ पहुँचने वाला हूँ, मैं जहाँ जाने वाला तो आ गया। तो आज के लिए इतना है इस भी ब्लॉग को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय।